जोएल भाई के साथ खेल रहे हैं, इतना जीतने के बाद मेरे साथ खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है? और आज का ब्लॉग ऐसा वैसा नहीं भाई, मेरे जिगर का टुकड़ा भाई, चेस। आज हम एक चेस टूर्नामेंट देखने जा रहे हैं और वो भी ऑर्गेनाइज किए बलराज घाई ने का हैबिटेट में खार में। तो भाई मैं बहुत ज्यादा 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 एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पे सेमीफाइनल्स में जोएल डिसूजा खेल रहे हैं। अब मैं ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता हूँ यहाँ से निकलने के मैंने, पर यहाँ पे जैसे तुम लोग मेरे आजू बाजू देख रहे होगे भाई, कुछ मुंह मीठा करके जाते हैं तो देखते हैं भाई क्या चलता है। तो मैं थोड़ा आइसक्रीम खा लूंगा झट से और निकलते हैं यहाँ से। और अगर मिल गया भाई जोएल डिसूजा, तुम लोग तो बने रहोगे ब्लॉग में, अगर मिलेगा तो भाई तो बता दूंगा, नहीं मिलेगा तो पता नहीं यार, पर चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं जस्ट द हैबिटेट पहुंच गया और यहाँ का क्या ही वेन्यू भाई, क्या ही मॉल भाई, क्या ही वाइब भाई। भाई आपका नाम क्या भाई? ओम पवार बोला। क्या ओम पवार? ओम पवार भाई मजा आने वाला है काफी, खेलते हैं भाई टाइमर यहाँ पे। भाई ने तो भाई मुझे पटक ही दिया भाई, ये देखो भाई मैंने तो जल्दी से भाई ऑन द बोर्ड का एक ही फायदा है भाई, जैसे हारते हो ना भाई पीस गिरा दो भाई सब। मैंने ऐसी सेल्फी वीडियो क्यों ली, क्योंकि मुझे लगा भाई उसे मिलने का मुझे चांस नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिया, बट बाकी आप खुद ही देख लो। खेलोगे? ओके आ जाओ। मजा आया भाई ने बोला करने का तो करने का। No dude, that was like so sorry to ask you this kind of question. It's इंडियन न्यूज से तो ज्यादा ही वैलिड क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ से ना मैं थोड़ा सन्नाटा सुपर फाइबर हो गया था, तो मुझे लगता है थोड़ी वॉइस ओवर की पक्का जरूरत पड़ेगी और चेस का गेम स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और जिसे चेस नहीं आता, लूडू सॉरी तुम लूडो खेलो जोक्स अपार्ट भाई, जिसे चेस नहीं आता ना भाई लाइव स्ट्रीम आओ भाई, मैं तुम्हें चेस सिखाता हूँ, और जिसे आता है ना भाई तुम्हें भुला दूंगा भाई शी भाई मैं क्या ही कह रहा हूँ, बट काश मैं इतना वहाँ पे बोल पाता था तो मुझे वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट सच में भाई चेस का एक अच्छा है भाई, तुम लोग को भी मैं वहाँ पे कितना फोकस्ड लग रहा हूँ, पर सच्ची में भाई मेरी फटी पड़ी थी, तो यार यहाँ पे थोड़ी मुझे वॉइस ओवर की ज़रूरत पड़ी, तो थोड़ा संभाल लो। तो यहाँ पे है ना मैं कैसल करता हूँ और तुम लोग मुझे वापस वॉइस ओवर में देख के थोड़ा सा चौंक गए होगे, बट लेट मी टेल यू द वर्स्ट इज येट टू कम। वो एक कहावत है ना यार इंग्लिश में कि यू नेवर फॉरगेट योर रूट्स करके, वो मैं प्रूव करने वाला हूँ, बट इन द सेंस वंस अ ब्लंडरेश्वर ऑलवेज अ ब्लंडरेश्वर भाई, क्योंकि क्या ही कहूँ भाई यहाँ से देखो मैं कितना क्रेजी ब्लंडर करने वाला हूँ। वेट फॉर इट, वेट फॉर इट। आ हा हा वाह वाह वाह, जोएल का रिएक्शन देखने लायक था, मेरे को देखो क्वीनी ब्लंडर। जोएल भाई आ गए हमारे ब्लॉग में, बट जोएल भाई आ गए, अगर जोएल भाई आप ये ब्लॉग देख रहे होगे तो आई कैनॉट थैंक यू इनफ पहली बात तो, बट आई विल डू
थैंक यू सो मच भाई, बहुत ज्यादा मजा आया। मैं व्लॉग को थोड़ा खुद को काट रहा हूँ यहाँ पे, पर मेरे इमोशंस देखो भाई, लोग मुझे मत देखो चाहिए तो सबसे पहले तो देखो, मैं आजकल चेस काफी ग्राइंड कर रहा हूँ, तो अगर तुम लोग चेस देख सकते हो तो चेस देखिए, वरना ऐसे व्लॉग वाले कॉन्टेंट तो आते रहेंगे। तो इस चैनल में मैं सब कुछ करता हूँ भाई, मेरे चैनल का बैनर है, तो अभी मैं ज्यादा पकाता नहीं ऊपर। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट चीजों में, एंड डोंट फॉरगेट राइस एंड हसल भाई। सब्सक्राइब टू मीर वगैरह यूट्यूब चैनल। दुनिया में ये जहां छू